खान कल दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार देर रात कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने गुजरात की 3 में से 1 राज्यसभा सीट को अपने नाम कर लिया। अहमद पटेल हाल ही में कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत को हराकर एक बार फिर राज्यसभा पहुंचने में कामयाब रहे। फिलहाल बता दें कि हालांकि उससे पहले जो हुआ वो राज्यसभा चुनाव के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अपने 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से खफा कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और पोलिंग एजेंट को अपना बैलेट दिखाने वाले दोनों विधायकों का वोट रद्द करने की मांग की। जवाब में बीजेपी भी चुनाव आयोग पहुंची और कांग्रेस की इस अर्जी को ना मानने की अपील की। दोनों पार्टियों के चुनाव आयोग जाने का ये सिलसिला 3 बार चला और आखिरकार चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग मानते हुए दोनों विधायकों के वोट रद्द कर दिए, जिसके बाद अहमद पटेल की जीत का रास्ता साफ हो गया। अहमद पटेल को 44 वोट मिले, जबकि कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है, वहीं बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत का खबर आई है। अहमद पटेल इतने संघर्ष के बाद जीते हैं, सर इतने संघर्ष के बाद की जीत की खुशी का क्या मायने हैं आपके शब्दों में? मायना यह है कि कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा आई है, एक नई शक्ति आई है, उसे कांग्रेस को एक बल मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी को, संगठन को बहुत ही फायदा होगा। कितनी मुश्किल में ये संघर्ष, क्या टफ इलेक्शन, लेकिन अल्टीमेटली इफ एंड इज गुड एंड एवरीथिंग इज गुड, जब अंत अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। इस पूरे लड़ाई के टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे? टर्निंग पॉइंट ये है कि इससे कांग्रेस मजबूत होकर बाहर आई हुई है, जिस तरह से उन्होंने पूरी कोशिश की। इट वॉज अ टफ इलेक्शन, पूरी सरकार लगी हुई थी, पूरी एजेंसी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी हमारे विधायक के सहयोग से हम लोग जीत के आए। हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था उसकी वजह से बहुत बड़ी बात। सर 2017 पे इसका कुछ असर? बिल्कुल, 2017 में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देगी और विजयी होकर बाहर आएगी। इस दौरान में कभी भी एक बार भी ऐसा लगा कि शायद मामला फिसल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी मुझे महसूस नहीं है। मुझे पूरा विश्वास था शुरू से, और मुझे अगर विश्वास था, भरोसा था, तो हमारे विधायक पे था, और उसकी वजह से आज ये परिणाम नतीजा आया है। शुक्रिया। तो ये साफ तौर पे कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत, जिसमें अहमद पटेल इतने संघर्ष के बाद जीत कर आए हैं, पूरे कांग्रेस में खुशी की लहर है, लेकिन इतने विधायक टूटने के बाद भी अब कांग्रेस को ये लगने लगा है कि 2017 के लिए वो नई ऊर्जा के साथ लड़ सकेंगे। अहमदाबाद से राजीव, NDTV इंडिया के लिए। जीत के बाद अहमद पटेल ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है बल्कि ये धन शक्ति बाहुबल और स्टेट मशीनरी के दुरुपयोग की करारी हार है। बीजेपी की धमकी और दबाव के बाद भी मुझे वोट करने वाले हर एक विधायक का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक समावेशी भारत के लिए वोट किया। कांग्रेस इस जीत पर चिदंबरम ने ट्वीट किया, गुजरात राज्यसभा चुनाव में पैसा, बाहुबल और जोड़ तोड़ नहीं जीत सकी। बीजेपी कुछ कमजोर कांग्रेस विधायकों को तोड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं तोड़ सकती। वहीं कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी ने ट्वीट किया, पैसा, बाहुबल और बीजेपी की गंदी हरकतें नाकाम हो गई। आज की तरह ही गुजरात कांग्रेस 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देगी, सत्यमेव जयते।